पीपल, कैसे हैं आप? अपना एंजॉय करते रहिए हम और आप. सो क्या हाल चाल है आपके? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. और आज जो है बालम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाला है, तो मतलब उसके लिए आप मतलब व्लॉग के अंदर आप बने रहे. तो जैसे जैसे वो आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा और पूरा मतलब आप मतलब साथ में रहिए. तो अपडेट आपके थ्रू होते हुए जाएगा, मेरे थ्रू होते हुए जाएगा, तो बहुत ही अच्छा अपग्रेड है. और ठीक है, मतलब मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है और बाकियों के लिए नहीं करता होगा, तो वो उसका मुझे कोई ध्यान नहीं, बट मेरे लिए बहुत मैटर करता है. तो आप प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिए. हो रहा एलिफेंट आया इतना बड़ा, वो देख, वो रहा खा जाएगा तेरे को. सो ये एलिफेंट को देख रहे, देखो आप. सो इतने से पपी के लिए इतने बड़े एनिमल को देखना कितना फैसिनेटिंग होता है. कू भी देख रहा है इस एलिफेंट को. एलिफेंट आया, वो देख एलिफेंट आया, ये देख रहा है कि ये क्या चीज है. जस्ट अभी खाना खा लिया है, पनीर की सब्जी और जो लस्सी है वो भी पी ली है, होममेड जो लस्सी है वो. सो ये है तीज का होममेड झूला, ये आप देख सकते हैं और बहुत ही मतलब ये मजबूत भी है. ये आप देख सकते हैं कि ये घोड़ा है, ये मंगवा दिया है अभी. और वही यार, मतलब जो सरप्राइज है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा. जोर लगा के हईशा. सो भैया ऊपर चढ़ चुके हैं घोड़े के ऊपर. सो ये एंगले भी लग चुकी है लोहे की, इसकी मतलब मजबूती के लिए. तो हालांकि आपने गैस तो कर ही लिया होगा कि यहाँ पे क्या लगने वाला है. सो प्रेजेंटिंग एन इम्पोर्टेंट अपडेट. सो बालम्स का नया LED बोर्ड. सो कितना शानदार लग रहा है यार, तो पूरी घर की विड्थ ये कवर करेगा. सो एक साल से मेरा और ये बोर्ड जो भैया लगाने आए हैं उनका डिस्कशन चल रहा था, और मतलब कलर भी इतना अच्छा खेल के आया है एक ही घर की जो थीम है उसके ऊपर. सो साइड में से भी देख लेते हैं. हाँ, तो एकदम बढ़िया लग रहा है, फिटिंग भी अच्छी हो गई. अब दे रहे हैं इस पर छोटे से टचअप, मतलब छोटे छोटे मतलब जो साफ सफाई वो लाइन जो है उसको वापस ढंग से चिपका रहे हैं. सो पुराना बोर्ड ऊपर लगा दिया भैया ने, कई बार लगा देते हैं. सो ये नया बोर्ड कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना. इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर मी फ्रॉम 1 ईयर. सो वो एक साल से डिस्कशन चल रहा है. ये प्लानिंग मतलब एक साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी, मतलब लास्ट ईयर इस टाइम से लेके और अभी तक जो है ये टाइम हुआ, इस टाइम से प्लानिंग चल रही थी. वही मतलब क्योंकि अपना थोड़ा बाहर का जो लुक है वो थोड़ा सा हेरिटेज लुक है ना, इस वजह से क्या है कि जो बैकग्राउंड शीट है उसका कलर सिलेक्शन करने में और उसकी मजबूती देखने में सब मतलब बारीकी से सब इसका मतलब जज किया मैंने. और फिर मतलब उसके बाद में सब सोच विचार करके अब जो है इसका फाइनलाइज, क्योंकि लेटर भी कैसे बनेंगे क्या होंगे ये सब चीज़ें मुझे अगर ध्यान रहेगी तो मतलब उसको लगाने में और उसको लगने में थोड़ा मतलब सही रहेगा. तो हो सकता है बाकियों के लिए ये थोड़ा छोटा अपडेट हो कि यार क्या मतलब बोर्ड ही तो लगाया, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है. आज मतलब 9 या 10 साल हो चुके हैं स्टोर को काम करते हुए, जैसे डिज़ाइनिंग का जो काम करते हुए स्टोर में, और इसीलिए जो है वो पुराना बोर्ड लगा हुआ था उसे हटा के और ये जो बोर्ड है साइनेज वाला जो जिसमें LED जलेगी रात को, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसा लुक आता है नाइट में. अभी तो जैसे मतलब 7 बजने वाले हैं और 15 मिनट मेरी वॉच आगे रहती है, तो नाइट का व्यू कैसा आएगा ये मैं आपको जो है इसी व्लॉग में आगे बताऊँगा. और जो इंस्टाग्राम का जो चैनल है वो आपको आ ही रहा है, यहाँ पर मैं रील्स भी पोस्ट करूँगा तो वो भी आप देख लेना, लाइक करना. और जो इंस्टाग्राम वाला जो हमारा जो पेज है वो भी आप उसे भी मतलब आप फॉलो करना, तो आपको रेगुलर जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे. नहीं यार, मतलब काम जब किया तो मतलब मैंने खुद ने भी थोड़ा बहुत भाग दौड़ किया तो पसीना हो गया था शर्ट में, तो शर्ट उतार दिया और जो है ये जो टी शर्ट है वो मैंने पहन लिया. सो ये देख लीजिए शाम का व्यू. तो अभी तो पूरा अंधेरा हुआ नहीं है, बट फिर भी मतलब जो इसमें वार्म जो लाइट है वो लगाई है, तो बिल्कुल मतलब हेरिटेज लुक को एक साथ जोड़े रख के, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही. चल 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 चल, स्कूबी को घुमाने लेके आया हूँ, ये शैतान क्या है कि बेटा आ जाता है. तो बोर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइट भी काफ़ी अच्छी लग रही है, थ्रो भी काफ़ी अच्छा है लाइट का. गुड बॉय गुड बॉय. कौन है स्कूबी? कौन है? कौन है? फ्रेंड्स आए क्या तेरे? सो प्यारे प्यारे स्कूबी को खिलाने ये प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं. तो ये देखो वो उसको बुला रही है यहाँ पे, ये देखना. तो बच्चों को बहुत सही लगता है. सो जी डिनर हो चुका है, अब खाते हैं घेवर और सत्तू. सो हैप्पी तीज. टुडे इज नेक्स्ट डेज आफ्टरनून लंच मैंने कर लिया है और होप कि आपको ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के एंड तक अगर आप आ गए हो तो इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. सो मिलता हूँ आपसे ऐसे ही शानदार किसी ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय.